प्रशांत सर नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी तबीयत कैसे है? आपको मैंने सुना बुखार था हल्का, अभी ठीक है सर? जी डिंपल जी अभी बहुत बेटर है, धन्यवाद। 3-4 दिन से थोड़ी खराब थी, अभी बेटर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप स्वस्थ रहिए। सर जरा बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। सर बजट में LTCG आ गया, बजट को बहुत अच्छे मार्क्स नहीं दिए गए, इससे पहले फुल फ्लैज वाली सरकार एक मिलीजुली सरकार में तब्दील हो गई, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाजार के लिए ठीक भी नहीं हो रही है, बट बाजार को कुछ समझ में नहीं आता, एक ही चीज समझ में आ रही है, डिप आए दौड़ा दो, डिप आए दौड़ा दो। जी डिबी जी सबसे पहले गुड आफ्टरनून और आप सभी को नमस्कार। बिल्कुल आपने अभी जो कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहे, मुझे लग रहा है आजू बाजू जो चीजें हैं उनमें जितना मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ तो जो एम्प्लॉयड है यानी जो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं बल्कि कई एम्प्लॉयड है वहां सैलरी छोड़ के बाकी सारी ही चीजें आजू बाजू बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली वो दिख रहा है और उसी के साथ हमारा स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि जो बजट की नेगेटिविटी थी वो प्राइस ये दिखा रहा है कि डाइजेस्ट हो चुकी है और अब हम अग्री चार की तरफ ध्यान रखते हैं। जो आपने शुरुआत में शो के कहा 25,000 स्पॉट एक रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली हम सभी को बताया कि वहां इमोशन होते हैं हर बार जब हम एक नए उच्चांक पे जाते हैं, 23,000 हो 24,000 हो 25,000 हो, वहां पे एक रिएक्शन आता है जो कि बहुत एक्सपेक्टेड होता है। तो उसी तरह से कल भी वो रिएक्शन पिन पॉइंट आया, हार्डली 0.25 पॉइंट्स नीचे या जस्ट 25 पैसे नीचे हमें वहां पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई दी और वहां से फिर से जो लो बन रहे थे वो प्रोटेक्ट होके हम दोनों इंडाइसेस में एक अच्छी अपको देख रहे आज के दिन। अभी क्या करना होगा तो सबसे पहले अगर निफ्टी को देखे तो 24,930 पे हम ट्रेड कर रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ बाय करने जाऊं तो मेरा टारगेट क्या है वो 25,000 होगा, यानी मैं 60-70 पॉइंट के लिए बाय कर रहा हूँ। क्या मैं उसके लिए 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ? तो मेरा जवाब ना है। वो ना क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो लॉजिकल स्टॉप लॉस है वो 24,800 एक 10-20 पॉइंट नीचे स्पॉट ये होना चाहिए और पोजिशनली जब तक ये बरकरार है आप बिल्कुल आपके पोजीशन में रह सकते हो। तो यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, मैं इनफैक्ट एक मोमेंटम प्ले रेकमेंड करूंगा कि अगर हम 25,000 के ऊपर 25-30 पॉइंट निकल जाए यानी 25,030-25,035 ये जोन के ऊपर क्रॉस हो तो यहाँ से मैं सजेस्ट करूंगा आप एक 75-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो यानी करीबन 24,950-24,960 और आप लॉन्ग जाइए। वहां से मुझे लग रहा है आपको एक 100-150 पॉइंट कंफर्टेबली यानी आपको 25,200-250 तक के लेवल क्रॉसओवर पे आप अभी फ्रेश लॉन्ग्स कीजिए। एग्जिस्टिंग सिर्फ जिनके पास लॉन्ग्स है उनको ट्रेल करना होगा। अगर आप कहें तो मैं बैंक निफ्टी पे भी एक राय दूं। इसी के साथ निफ्टी में एक अहम चीज जो नजर आ रही है, अभी तक रिलायंस में जो एक अपमो आनी चाहिए वो आई नहीं है। मुझे लग रहा है 25,000 के ऊपर सस्टेन करने के लिए जैसे हमें 24,500 से लेके 24,900 IT का सपोर्ट मिला है उसी तरह से इस लेवल से ऊपर जाने के लिए हमें रिलायंस का सपोर्ट बिल्कुल लगेगा। ठीक है सर, आप एक काम करो फिर रिलायंस के सपोर्ट के बारे में भी नोटिस तो आप करवा ही रहे हो, बैंक निफ्टी के बारे में भी बता दो। लेवल्स हमने निफ्टी के लिख लिए, नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है, आप ये बात मोटा मोटी बता रहे हैं, जरा लगे हाथ फिर बैंक निफ्टी भी बता दो। तो डीपी जी बैंक निफ्टी में जैसे बार बार कह रहा हूं कि कोई भी बड़ा करेक्शन आने से पहले मेरा पोजिशनल व्यू ऐसा है कि हम कम से कम स्पॉट 54,000 जाएंगे। अब वो इस महीने अगले महीने वो तो पता नहीं बट ये लेवल आने के पहले कोई भी बड़ा यानी मैं जो 10-15% का करेक्शन होता है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से पोजिशनल अप्रोच क्या रखना चाहिए तो मुझे लग रहा है अभी हम ऑलमोस्ट 51,700 के आसपास स्पॉट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर पोजिशनल अप्रोच रखना हो तो आप 51,000 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बने रहो। जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं मुझे लग रहा है 51,200, 51,200-50 इस जोन के पास क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग जाइए। आपको मोमेंटम कब मिलेगा बहुत बेसिक चीज है, जो कल का हाई बना हुआ था 52,350 इसको आप क्रॉस कर दो आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगा जो आपको जो एक गैप डाउन हुआ था उस गैप तक यानी 53,000 तक ले जा सकता है। सो पोजिशनली बैंक निफ्टी पे लॉन्ग अप्रोच ही रखना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि क्योंकि कल एक मंथली एक्सपायरी है कॉल जब हम बात कर रहे थे करीबन 155 पे चल रहा था, अभी 165 चल रहा है। ये अगर थोड़ा कूल डाउन हो जाए 140-145
50 के आसपास मिले, अब इसको प्लस कर लो 100 पॉइंट की कम से कम रिस्क लो, 40-35 के भी स्टॉप लॉस रखो, या 900 का कॉल जो करीबन 128 पे चल रहा है ये आप ले लो और सेम 30-35 के आसपास स्टॉप लॉस रखो। 70-80 पॉइंट की रिस्क बैंक निफ्टी में आप एक छोटे क्वांटिटी में बिल्कुल एक्सपायरी की ले सकते हो, स्पेशली उस वक्त जब निफ्टी एक नए उच्चांक की तरफ जा रहा है और बैंक निफ्टी अभी भी अपने इलेक्शन लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाया है, डिसीजिव तो मुझे ऑल टाइम हाई लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाया है, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लेने के लिए अच्छे यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप ऑप्शंस के जरिए भी ले सकते हो और कम क्वांटिटी एक क्लियर स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते। ठीक है, तो ये आपने ऑप्शंस का ट्रेड हमको बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग बता दी। अब सर अपने शेयर्स तो बताइए, आपके शेयर्स कौन से हैं? डीपी दो स्टॉक्स पे नजर है, मुझे लग रहा है काफी दिनों से एक स्लगिश आउटलुक मेटल्स में रहा, यानी यहाँ पे कोई बड़ी मूव नहीं आई है बट कोई ब्रेकडाउन भी मेजर नहीं हुआ है, कंसोलिडेशन चल रहा है। तो यहाँ जिंदल स्टील जो हमेशा मैं इस पैक का लीडर मानता हूँ, यहाँ पे करीबन 955 स्पॉट के नीचे स्टॉप लॉस रख के हम 1000 से लेके 1010 इन टारगेट्स के लिए लॉन्ग जा सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो ऑटो में एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है और यहाँ पे टायर सेगमेंट काफी अच्छा रन अप दिखा रहा है, सारे ही शेयर ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की कगार पे। तो यहाँ पे अपोलो टायर्स पे हम 550 के नीचे स्पॉट स्टॉप लॉस रख के 595 से लेके 600 इन टारगेट्स के लिए लॉन्ग जा सकते। ठीक है, अपोलो टायर्स आपके लिस्ट में है, 595 के टारगेट के लिए है, 555 का एक स्टॉप है। बैंक निफ्टी वाली एक बार 51800 की कॉल के स्टॉप लॉस टारगेट भी डलवा दीजिए सामने, प्रोड्यूसर साहब एक बार जरा दिखा देना वो भी 51800 वाली का। ठीक है, अच्छा सर ये आप बता रहे हो 145 पे हमको ले लेनी है 51800 वाली कॉल, तो इसका टारगेट तो बता दो, एक स्टॉप लॉस टारगेट वापस से बता दो जरा। तो दीपी जी हम इसको अगर 145-50 के आसपास ऐड करें, वहां से 100 पॉइंट नीचे 40-45 पे आप स्टॉप लॉस रखो, सबसे पहला आपका 1:1 प्लान होना चाहिए, यानी आप ऑलमोस्ट 250-300 का लेवल एक टारगेट वन मान सकते हो, बट ओवरऑल अगर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आए तो एक कल 350-375 ये लेवल्स भी दिखा सकता है। ठीक है प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, किस दिन और आपसे वापस मुलाकात होगी तो आपसे बढ़िया ट्रेड पता करेंगे, लेकिन फिलहाल आज आपने जो दो शेयर हमको दिए हैं और एक ऑप्शन दिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।